कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। इस जानलेवा वायरस के चलते दुनिया थम सी गई है। लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर की करीब 2.6 अरब की आबादी लॉकडाउन में रहने को मजबूर हो गई है। वहीं कोरोना से हुई मौत की बात करें तो पूरी दुनिया में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर के करीब 4 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति इटली में बनी हुई है। यहाँ कोरोना वायरस के कारण 6,820 लोगों की मौत हो गई। वहीं 35 देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। इटली इस समय कोरोना वायरस का केंद्र बना हुआ है। इस वक्त इटली में चीन और ईरान से ज़्यादा मौत हुई है। इटली में बीते 24 घंटे में 743 लोगों की मौत हुई। इसे देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री ने संक्रमण रोकने के लिए सभी गैर जरूरी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये साझा संघर्षों का दौर है। ट्रंप ने कहा कि इस बीमारी पर जीत हासिल करेंगे। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 76 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ 9 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस घातक वायरस से अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 9,037 हो चुकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।